हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर सो गाइस कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर टू तक कर लिए थे रिमेनिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थ्री वो आज हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आज गाइज खत्म हो जाएगा नेक्स्ट डे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर टू गाइज वो करेंगे तो ये हमने क्लास सिक्स मैथ का चैप्टर नंबर वन नोइंगस कम्पलीट कर लिया है सो गाइज लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज ये इसका सारा वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कल और परसों जो दो चैप्टर जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे गाइज उसके अंदर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था आज इसके अंदर गाइज जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसके अंदर बोला गया है द एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जर्नल रूल जर्नल रूल को यूज करते हुए हमें एस्टिमेट करना है मीन्स वो राउंड ऑफ करना है तो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट दी हुई है उसको राउंडिंग ऑफ करना है सो so गाइज इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 578 तो इस कहीं पे स्प्लिट जो होगा हमें ऐसा जो एस्टिमेट नंबर लेना है गाइज वो ऐसा कि जिससे हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाए तो देखो स्प्लिट हो रहा है तो 500 या 600 या वी कैन से हेयर एट लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा एट तो ये इंक्रीज होगा मीन्स ये आगे की साइड बढ़ेगा तो फाइव सेवेंटी एट है तो इसका क्या आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सो गाइज इसका क्या आ जाएगा सिक्स हंड्रेड गाइज इसके अंदर देखो जो हमारा वन सिक्सटी वन है यदि हम इसको स्प्लिट करेंगे तो वन हंड्रेड और टू हंड्रेड के बीच में स्प्लिट ये कहीं पे लाई करेगा तो गाइज जो ये वन सिक्सटी वन है ये किसके क्लोजर है टू हंड्रेड के तो इसका क्या आ जाएगा राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड सो गाइज मैंने फाइव सेवेंटी एट का जो एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ किया था वो हमारा आया सिक्स हंड्रेड और इसका आया गाइज टू हंड्रेड सो गाइज इसका आंसर देखो अब इसमें हमारा क्या पूछा गया, गया है गाइज वो हमारा पूछा गया है कि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर हाउ मैनी जीरो हेयर टू एंड हेयर टू तो फोर जीरोज आ जाएगी हमारी मल्टीप्लीकेशन करते टाइम और सिक्स इंटू टू कितना होता है गाइज ट्वेल्व वी पुट इंसर्ट कोमाज हेयर थ्री और टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का सो so गाइज ये था हमारा ए पार्ट गाइज कुछ नहीं करना है वो ही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए मैंने इसको राउंडिंग ऑफ के लिए बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे सो so गाइज आप उसको देख लीजिए जो बी पार्ट है इसके अंदर देखो गाइज ये फाइव टू एट वन फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी वन यदि आप इसको देखोगे तो ये कहीं पे फाइव थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड यदि आपको और भी इजी लेना है तो थाउजेंड के टर्म में आप यहाँ पे ले लो अदरवाइज आप तीन डिजिट से भी आप इसको कर सकते हो तो टू और फाइव लगाएंगे तो टू के नियर अबाउट पड़ेगा ये क्लोजर रहेगा ना कि ये फाइव वाले में सो so गाइज ये थाउजेंड में है तो एक फाइव थाउजेंड किसके क्लोजर हो जाएगा टू एटी वन है जो ये फाइव थाउजेंड के तो इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा फाइव टू एट वन का राउंडिंग ऑफ गाइस हो जाएगा 5, अब गाइस इसका करना है राउंडिंग ऑफ हमें थ्री फोर नाइन वन देखो गाइस इसका यदि हम लेंगे तो ये हमारा यदि थाउजेंड के टर्म में लेते हो तो थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड के बीच में कहीं पे लाई करेगा गाइस ये और वैसे आप यदि देखोगे तो इसके लास्ट थ्री डिजिट लोगे तो 491, 400 और 500 के बीच में ये कहीं पे लाई करेगा तो 400 के पास में है या 500 के तो गाइस ये 91 तो 500 के लिए ओनली नाइन हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर देन एक कम्प्लीटेड फाइव हंड्रेड सो तो गाइज इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो होगा थ्री इन द टर्म ऑफ हंड्रेड ओके गाइज अब हमारा इसका पूछा है मल्टीप्लीकेशन तो फाइव थाउजेंड इंटू थ्री फाइव जीरो जीरो अब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई सो गाइज यहां पे पहले जीरो काउंट कर लेना क्योंकि जो ये हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं एक्चुअल में ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं गाइज तो यहाँ पे फाइव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब इन दोनों का आप कर लो कैलकुलेशन वो सॉरी मल्टीप्लीकेशन सो गाइज इसका आ रहा है फाइव फाइव ज्वेंटी फाइव टू फाइव थ्री जे फिफ्टीन और टू सेवनटीन सो गाइज इसका आ जाएगा हमारा ये वाला आंसर जो बी पार्ट है उसका आ जाएगा ये सी पार्ट देखो गाइज जो सी पार्ट है उसके अंदर गाइज हमारा दे रखा है वन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी वन सो गाइज देखो जब टू नाइन्टी वन है तो किसके पास है वो टू हंड्रेड के पास या थ्री हंड्रेड के पास सो so गाइज ये है हमारा थ्री हंड्रेड के पास तो so इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वन टू नाइन वन का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा हमारा थ्री वन थ्री जीरो जीरो थर्टीन हंड्रेड ओके गाइस अब नेक्स्ट हमारा इसका देखो राउंडिंग ऑफ करना है हमें फाइव नाइनटी टू का तो देखो गाइज फाइव हंड्रेड के पास है या सिक्स हंड्रेड के पास है सो so गाइस ये हमारा नाइन्टी टू है सिक्स हंड्रेड के पास है सो गाइस नाउ वी मल्टीप्लाई हेयर थर्टीन हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लीकेशन करने से पहले गाइज हम पहले जीरो काउंट कर लेंगे आफ्टर देन क्योंकि ये है इसी के लिए तो फोर जीरोज हमारा यहाँ पे आ जाएगा और थर्टी सिक्स या सेवेंटी एट सो गाइज ये हमारा आ जाएगा आंसर सो गाइज ये इसका सी पार्ट का आंसर है नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं गाइज देखो इसका जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे राउंडिंग ऑफ नाइन टू फाइव जीरो वही बात है गाइज ये जो टू फिफ्टी है ये किसके पास में जाएगा गाइज टू टू के पास या फाइव हंड्रेड के पास ये जाएगा टू हंड्रेड के पास क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोजर है सो इसके अंदर या आप थाउजेंड के ट्रम में देखोगे गाइज तो ये क्या हो जाएगा थाउजेंड के ट्रम में नाइन थाउजेंड और टेन टेन थाउजेंड तो देखो यहाँ पे टू फिफ्टी है मतलब फिफ्टी फिफ्टी मैंने बताया था तो वो इंक्रीज होगा तो इसमें क्या आ जाएगा गाइज इसके अंदर आ जाएगा गाइज जैसे टू फिफ्टी है मैंने बताया था ना जब फाइव फाइव आ जाए तो उसमें आगे इंक्रीज होता है सो गाइज इसका क्या हो जाएगा राउंडिंग ऑफ हो जाएगा नाइन थ्री जीरो जीरो अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज राउंडिंग ऑफ करना है गाइज हमें ट्वेंटी नाइन का तो देखो ट्वेंटी के पास है या थर्टी के पास है हमें ये चीज देखनी है सो so गाइज ये हमारा किसके क्लोजर है थर्टी के तो जो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गाइज थर्टी सो गाइज अब वी वी कैन मल्टीप्लाई हेयर नाइन थ्री जीरो जीरो एंड थ्री जीरो अब काउंट uh, करो हाउ मैनी जीरोस हेयर टू और वन थ्री और थ्री थ्री जा नाइन और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन सो गाइज ये था हमारा इसका डी so वाले का आंसर है सो so गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री इसके फोर पार्ट आज मैंने करवा दिए है गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा आवर चैप्टर इज कम्पलीटेड टूडे सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस टूमोरोट वी कैन सी वट इज इन दट चैप्टर सेकेंड चैप्टर सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा और आप कर भी रहे होंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस